जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर सुनील कुमार सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका खुशामदीद है और ये जानने की कोशिश करेंगे आज जो मीटिंग है तो ये किस बारे में आई। बेसिकली ये प्योरली तंजीमी मीटिंग है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर इंचार्ज, जिन्हें हम शक्ति केंद्र इंचार्ज कहते हैं, इन लोगों के साथ तंजीमी मीटिंग चल रही है और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे और मजबूती देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मीटिंग आज यहाँ पे बनिहाल में अभी हुई। हमारे पूरे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पोलिंग बूथ क्लस्टर्स के इंचार्ज थे वो यहाँ पे आए, उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ और फर्दर पार्टी की एक्टिविटीज़ किस तरीके से और मजबूती से हम बढ़ाएं उसी के लिए रिलेटेड ये मीटिंग जी। सर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक साबिका यूनियन यानी कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आप जो विजिट कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट है जो असेंबली इलेक्शन, क्योंकि बीच में जो एक बड़ा गैप जो है वो देखने को मिला आर्टिकल 370 के बाद, तो एक्सपेक्ट क्या है कि क्या इस साल इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए जिस तरीके से जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस वक्त पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हुकूमत ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि डिलिमिटेशन कंप्लीट होती है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। जिस तरीके से पिछले 2 सालों से डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है और अभी 2 दिन पहले लगभग रीएडजस्टमेंट रीअलाइनमेंट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ड्राफ्ट बाहर आया पब्लिक में, तो ऐसा लग रहा है कि डिलिमिटेशन लगभग कंप्लीशन पे है। यदि डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे और जो संकेत जो इशारे इस डिलिमिटेशन कंप्लीशन की तरफ से हमें मिल रहे हैं कि लगभग 1-2 महीने में ये कंप्लीट होगी, तो उम्मीद है कि इसी 2022 में जम्मू कश्मीर पॉपुलर गवर्नमेंट देखेगी, सरकार देखेगी, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जम्मू कश्मीर की जनता को देखेगी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव